हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, मॉडल स्कूल राजगढ़ लेके आया आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़। और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ दोस्तों है, जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें जो धांधली हो जाती है, जिसमें बेरोजगार अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबी पालीवाल कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इसकी अनुशंसा हो गई है। तो दोस्तों, आते हैं पूरी न्यूज़ पे। भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने को सख्त कदम। राज्य सरकार ने यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सीबी पालीवाल कमेटी की रिपोर्ट पर अमल शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली या गड़बड़ी करने वालों को परीक्षा से 3 साल के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। इस संबंध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन चतुर्वेदी ने जारी आदेश में कहा है कि वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरे परीक्षार्थी यानी मुन्ना भाई के पकड़े जाने पर संबंधित परीक्षार्थी को 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। पत्र में हेरा फेरी कर दूसरे को बैठा कर भी अगर परीक्षा कोई दे रहा है तो 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका या OMR शीट की अदला बदली में 2 साल बैन की व्यवस्था की गई है। परीक्षा कक्ष में मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अन्य प्रतिबंधित सामान रखने या उसका इस्तेमाल करने पर 1 साल के लिए परीक्षा से आपको डिबार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा OMR शीट की प्रति निरीक्षक को न देकर अपने साथ ले जाने पर भी कार्रवाई की व्यवस्था कर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ FIR की जाएगी। और प्रश्न पत्र में कुछ उलटफेर करने पर अभ्यर्थी को 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला दोस्तों हुआ है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के साथ न्याय के संबंध में ये कदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं की शुचिता बनी रहे तभी जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके साथ दोस्तों न्याय होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी पारदर्शी संस्था में दोस्तों उसकी शुचिता, उसकी पारदर्शिता दांव पे लगी हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का सीबी पालीवाल कमेटी के रिकमेंडेशन या रिपोर्ट पे अमल शुरू करना एक अच्छा और दोस्तों बेरोजगारों के साथ न्याय करने वाला कदम है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल पे लाइक करना, कमेंट करना और इस न्यूज़ को अपने ही दोस्तों के बीच में दोस्तों शेयर करना। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आने वाला पल आपके लिए बहुत ही मोहक होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।